नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती क्या है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए हमने प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र पढ़ा था, प्रोटॉन और उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। बेटा प्रकार दो आधार पर थे अपने, एक तो प्रेक्षण के द्रव्यमान के आधार पर थे, द्रव्यमान के आधार पे थे, और बेटा दूसरे जो अपने पास थे वो अभिक्रिया की क्रिया विधि के आधार पर थे। उनको पढ़ने के बाद बेटा अगला जो अपना टॉपिक है संरक्षण का है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षण के नियम की पालना, कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षण के नियम की पालना कैसे होती है। तो बेटा नाभिकीय अभिक्रिया में 6 प्रकार के संरक्षण नियम की पालना होती है, और ये 6 प्रकार के संरक्षण के नियम कौन कौन से होते हैं आज हम इनके बारे में बात करेंगे। पहला जो होता है वो होता है आवेश संरक्षण का नियम। पहला नियम कौन सा हो गया बेटा? आवेश संरक्षण का नियम, यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है इसमें आवेश का मान संरक्षित रहता है, और बेटा यही कहता है आवेश संरक्षण का नियम। कैसे? देखो भाई, हम अभिक्रिया की बात करते हैं, अपने पास एक अभिक्रिया है 92 यूरेनियम 235। इस पर एक न्यूट्रॉन कण की हम संघात करवाते हैं। जब इस पर एक न्यूट्रॉन कण की संघात होती है तो हमें प्राप्त क्या होता है? हमें होता है 56 बेरियम 141 प्लस में 36 क्रिप्टोन 92 92 प्लस में हमें मिलते हैं बेटा यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन हमें कण यहाँ पर प्राप्त होते हैं ये, और प्लस में हमें यहाँ पर मिलती है ऊर्जा। अब बेटा आवेश की बात करते हैं, किसी भी अगर नाभिक की बात करते हैं इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है बेटा? आवेश होता है। तो यहाँ पर देखो इस तरफ कितने आवेश हुए? 92 है कि नहीं? अपने पास अभिक्रिया से पहले का आवेश इसका 92 और इसका 0 है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। तो अभिक्रिया से पहले हो गया 92 प्लस 0 बराबर 92, पहले का आवेश। अब करते हैं अभिक्रिया के बाद के आवेश की बात करते हैं बेटा। देखो बेरियम का 56 हो गया आवेश, और क्रिप्टोन का कितना हो गया? 36, और इनको जोड़ेंगे तो भी कितने हो गए? 92। ये हो गया बाद का आवेश। इसका मतलब क्या हुआ कि नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है उसमें आवेश का मान संरक्षित रहता है। अगला होता है बेटा अपने पास द्रव्यमान संख्या संरक्षण होता है। दूसरे की बात क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या संरक्षण। बेटा द्रव्यमान संख्या संरक्षण में होता क्या है अपने पास कि जो मान होता है, द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम जो अपने पास होता है, इस द्रव्यमान संख्या संरक्षण में देखो द्रव्यमान संख्याएं जो होती है अभिक्रिया से पहले की और अभिक्रिया के बाद की वो कैसी होती है? संरक्षित रहती है। जैसे इसी अभिक्रिया में हम देखते हैं, देखो 92 यूरेनियम 42 में इसका अभिक्रिया से पहले की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है? 235 प्लस 1 बराबर 236, ठीक है। और बाद की जो द्रव्यमान संख्या है वो अपने पास देखो कितनी है? 141 थी, प्लस में 92 प्लस में 3। बेटा इनको जोड़ेंगे तो भी उत्तर आएगा 236। मतलब द्रव्यमान संख्या कैसी रहती है? संरक्षित रहती है। बेटा तीसरा जो अपना नियम होता है वो तीसरा नियम अपने पास होता क्या है? वो होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। बेटा रेखीय संवेग संरक्षण में होता क्या है अपने पास कि नाभिकीय अभिक्रिया से पहले का संवेग और नाभिकीय अभिक्रिया के बाद का संवेग सारे के सारे कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं। जैसे माना अपने पास कोई अभिक्रिया में एक कण था ए, जो गति कर कर स्थिर परमाणु एक्स से टकराता है, और टक्कर के पश्चात हमें दो परमाणु प्राप्त होते हैं, एक वायु और दूसरा, मतलब ये वाला परमाणु स्थिर था तो संवेग क्या होगा? रेखीय संवेग। इसका कोई संवेग होगा नहीं क्योंकि वेग 0 है। बेटा अभिक्रिया से पहले का संवेग हो गया पी, ये बराबर होगा किसके? अभिक्रिया के बाद के मतलब वाई का संवेग, और प्लस में किसका संवेग हो गया? बी का, मतलब वाई और बी दोनों के संवेग के कैसा होगा? बराबर होगा। ये होता है बेटा रेखीय संवेग संरक्षण, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? प्रभावी होता है या प्रभावी रूप से लागू होता है। अब अगला जो आएगा अपने पास नंबर 4 पर, देखो नंबर 4 पर कौन सा आएगा अपने पास? तो जो नंबर 4 अपने पास होगा वो है कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण बेटा देखो कोणीय संवेग संरक्षण में होता क्या है इसको समझो। कोणीय संवेग जो संरक्षण होता है,
उसमें नाभिकीय अभिक्रिया में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। बेटा कोणीय संवेग संरक्षण में इसके अलावा होता क्या है? एक तो बेटा कोणीय संवेग भी दो प्रकार का होता है, हमने पढ़ा था। एक होता है चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग, और एक होता है रेखीय कोणीय संवेग। बेटा इन दोनों के मान भी नाभिकीय अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व और पश्चात कैसे रहते हैं? समान रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? कोणीय संवेग संरक्षण। अगली जो अपने पास आती है वो होती है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम। देखो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम होता क्या है अपने पास, कि सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो कुल ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। और बेटा ये किसके द्वारा बताया जाता है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के द्वारा बताया जाता है। और वो समीकरण क्या था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। उस आधार पर देखो ऊर्जा द्रव्यमान में गई और द्रव्यमान ऊर्जा में, तो एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा परिवर्तित हो गई। और यही होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, बल्कि उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हो। बट अगला जो होता है वो होता है समता संरक्षण का सिद्धांत, समता संरक्षण का सिद्धांत या नियम। ठीक, समता संरक्षण में होता क्या है? इसको समझ लो कि समता संरक्षण में होता क्या। बेटा समता का मतलब है समानता, कि अभिक्रिया से पूर्व और पश्चात सारी समानताएं होती हैं। जैसे सारी समानताएं किस हिसाब से होंगी? कि वो द्रव्यमान संख्या सबकी बराबर हो गई, इसके अलावा ऊर्जाएं भी बराबर हो गई। तो इस आधार पर, सभी के आधार पर जो सिद्धांत है समता के, समानता का, कि अभिक्रिया जो होती है वो संतुलित होती है दोनों प्रकार की, और ये क्या होता है? समता संरक्षण का नियम। बड़ा अगली जो अपनी हेडिंग है इसके बाद वो आएगी नाभिकीय अभिक्रिया की शुद्ध गति की, कि नाभिकीय अभिक्रिया में शुद्ध गति की क्या होती है। तो बेटा नाभिकीय अभिक्रिया में अगर हम शुद्ध गति की बात करें, तो हमने सारे के सारे संरक्षण के नियम पढ़े हैं, तो नाभिकीय अभिक्रिया पर सभी संरक्षण के नियम जो होते हैं उन नियमों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मतलब संरक्षण नियम जो लागू हो रहे हैं उन नियमों पर हम कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, और जो ये प्रतिबंध होते हैं बेटा ये शुद्ध गति की प्रतिबंध कहलाते हैं। कौन से प्रतिबंध कहलाते हैं? ये शुद्ध गति की प्रतिबंध कहलाते हैं, कि नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षण के नियम होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और ये प्रतिबंध अपने कौन से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं शुद्ध गति की प्रतिबंध। इन शुद्ध गति की प्रतिबंधों को कुछ राशियां प्रदान की जाती है। इन जो प्रतिबंध थे इनको हम कुछ राशियां प्रदान करते हैं, और ये जो राशि इनको प्रदान की जाती है ये कहलाती है शुद्ध गति की। ठीक है, इन प्रतिबंधों को जो राशियां प्रदान की जाती है वही कहलाती है शुद्ध गति की। एग्जाम्पल में अगर देखो किसी अभिक्रिया में दो मान होते हैं, तो क्यू मान होता है, ऊर्जा होती है क्यू मान, और एक होता है दहली ऊर्जा। मतलब ऊर्जा होती है दो प्रकार की, एक तो क्यू मान और एक दहली मान। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, किसके? शुद्ध गति की प्रतिबंध के एग्जाम्पल है। अब देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले शुद्ध मान पढ़ेंगे, कि शुद्ध मान क्यू मान में होता क्या है, शुद्ध गति की क्यू मान की बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा क्यू मान में होता क्या है? कोई भी अभिक्रिया है, अपने पास हेडिंग डाल देते हैं अभिक्रिया का क्यू मान। बेटा अभिक्रिया का जो क्यू मान होता है वो क्या होता है? माना एक कण है अपने पास ए, ठीक है, ये किसी एक्स कण से टक्कर करता है। टक्कर करने के पश्चात क्या बनती है अभिक्रिया में? एक कण बनता है वाई और एक बनता है पी। मतलब कोई कण था, उस कण ने एक्स कण से टक्कर की है, टक्कर के पश्चात क्या हुआ अपने पास? वाई बना, और क्या बना? बी। बेटा ये जो टक्कर है ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का क्या करती है? पालन करती है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया हुई है, और नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का क्या होता है? पालन होता है। बेटा देखो अब यहाँ पर क्या होगा, कि जो अपने पास ये अभिकारक है ये क्या है?
अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद, इस अभिकारक से ये क्या मिले उत्पाद, तो इनका नाम क्या हो गया अभिकारक, और इन अभिकारकों से हमें क्या प्राप्त हुए उत्पाद प्राप्त हुए। तो इसमें होता क्या है देखो, जो क्यूमान होता है ये होता है ऊर्जा का अंतर, क्यूमान किसका अंतर होता है ऊर्जा का अंतर होता है, और ऊर्जा अपने पास कौन सी होती है, तो जो ऊर्जा अपने पास होती है वो होती है बेटा अभिकारकों की ऊर्जा, और उसमें से किसको घटा दो आप उत्पादों की ऊर्जा को घटा दो, कि अभिकारकों की जो कुल ऊर्जा थी उस ऊर्जा में से अगर हम उत्पादों की ऊर्जा को घटा दें तो जो अपने पास ऊर्जा बचेगी वो यहाँ से हमें अभिक्रिया से प्राप्त होगी। तो देखो कैसे भाई, माना हम यहाँ पर अभिकारकों के लिए ऊर्जा हम निकालेंगे, यहाँ पर अपने पास अभिकारकों के लिए ऊर्जा का मान क्या हो गया एम ए, मतलब इस वाले की है, और इसके लिए बेटा क्या आएगा अपने पास सी स्क्वायर, मतलब ई बराबर एम सी स्क्वायर, किसके अनुसार आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, प्लस में एक्स की ऊर्जा क्या होगी एम एक्स सी स्क्वायर, ये आ गई अभिकारक की कुल ऊर्जा, इसमें से घटाओगे किसको तो क्या आएगा एम वाई सी स्क्वायर प्लस में एम बी सी स्क्वायर, मतलब उत्पाद की ऊर्जा को घटा दे किसमें से अभिकारक की ऊर्जा में से, तो जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ये क्या कहलाता है क्यूमान कहलाता है, थ्रीशोल्ड ऊर्जा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि थ्रीशोल्ड एनर्जी होती है जिसका होता है क्यूमान, ये क्यूमान हमें मिल गया किससे मतलब अभिक्रिया से पहले की कुल ऊर्जा में से, किसको घटा दो अभिक्रिया के बाद की कुल ऊर्जा को घटा दो बेटा, और बेटा क्यूमान में देखो अगर अपने पास जो क्यूमान है जो ऊर्जा का हमें मिला है अभिकारक की ऊर्जा में से किसको घटाकर उत्पाद की ऊर्जा को घटाकर, इस क्यूमान का मान अगर धनात्मक प्राप्त होता है, मतलब क्यू अपने पास कैसा मिलता है धनात्मक मिलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब जब क्यू का मान धनात्मक होता है तो नाभिकीय अभिक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब ये अभिक्रिया कैसी हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगर दूसरी कंडीशन अपने पास क्या होती है तो हो गया केस फर्स्ट और ये हो गया केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा यदि क्यू बराबर कैसा होगा ऋणात्मक होता है, जब क्यू का मान ऋणात्मक होता है बेटा ऐसी स्थिति में क्या होता है अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है अवशोषण होता है, और जब अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, मतलब जब ऊर्जा क्यू का मान धनात्मक आएगा तो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और जब क्यू का मान ऋणात्मक आएगा तो अभिक्रिया होगी ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा क्या होगी अवशोषित होगी वहां पे। बेटा आप अगली जो हेडिंग अपने पास हम इस क्यू मान का क्या निकालेंगे व्यंजक निकालेंगे। बेटा देखो क्यू मान के व्यंजक को निकालने के लिए अभिक्रिया अपने पास कौन सी थी, एक अभिक्रिया थी कि ए जो कोणीय कण है जो एक्स से टक्कर करता है स्थिर अवस्था में, यहाँ से हमें वाई मिलता है और क्या मिलता है बी मिलता है, यही था। तो इसी को समझते भी माना बेटा अपने पास एक कण था, ये एक कण आ रहा है, यहाँ पर अपने पास कोई कण है स्थिर कण एक्स, ये आकर किससे टकराता है इस स्थिर कण एक्स से टकराता है, टक्कर के पश्चात माना दो कण हमें प्राप्त हुए, एक तो वाई था जो इस तरफ चला गया, दूसरा कण अपने पास बी था जो नीचे की तरफ आ गया, माना ये जो कोण बना है ये कोण फाई पर गया और ये कितने पर गया थीटा पर, ये स्थिर अवस्था में था ये गतिशील अवस्था में था, हो गया अपने पास ये हो गया इसका वाई अक्ष और ये बेटा इसका कौन सा अक्ष हो गया एक्स। बट अगर संवेग की बात करें हम यहाँ पर संवेग को किससे लिखते हैं पी से, और पी जो संवेग है वो कैसी राशि होती है सदिश राशि होती है, मतलब संवेग को हम किसमें वियोजित कर सकते हैं घटकों में वियोजित कर सकते हैं, जब हम संवेग को घटकों में वियोजित करेंगे तो यहाँ पर देखो पी वाई के संवेग को हम किससे लिखेंगे पी वाई से, हो गया ये हो गया वाई का संवेग और ये किसका हो गया बी कण का संवेग हो गया पी, जिसके साथ कोण बने बेटा वो क्या होता है कोस थीटा, तो ये हो गया पी वाई कोस फाई, जिसके साथ कोण नहीं बना वो क्या होगा साइन थीटा यानी कि पी वाई साइन फाई। अब आते हैं पी बी के लिए, जिसके साथ कोण बनेगा वो क्या होगा कोस थीटा, तो ये हो गया पी बी कोस थीटा, जिसके साथ नहीं बना वो क्या हो गया पी बी साइन थीटा। अब हमने नाभिकीय अभिक्रिया में पढ़ा था कि नाभिकीय अभिक्रिया में जो रेखीय संवेग होता है वो भी संरक्षित रहता है और जो कोणीय संवेग होता है वो भी कैसा रहता है बेटा
संरक्षित रहता है। मतलब रेखीय और कोणीय दोनों प्रकार के संवेग नाभिकीय अभिक्रिया में कैसे रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। ठीक है, अब जब दोनों प्रकार के संवेग अपने नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स दिशा में, यानी कि एक्स अक्ष पर कोणीय न रेखीय, रेखीय की बात करेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण से कि हम कहां पर लगा रहे हैं, एक्स अक्ष पर लगा रहे हैं रेखीय संवेग संरक्षण। बेटा देखो, टक्कर से पहले यानी कि अभिक्रिया से पहले एक का संवेग क्या हो जाएगा, पी ए, एक्स स्थिर था, इसका संवेग कितना होगा, जीरो। बराबर क्या आएगा अपने पास, बाद का संवेग, देखो एक्स अक्ष पर बाद के संवेग एक तो ये रहा और ये एक ये रहा, क्या आएगा, ये हुआ पी वाई कोस फाइव, प्लस में क्या हो गया पी बी कोस थीटा। बेटा हम जानते हैं जो रेखीय संवेग होता है पी, वो किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है, मतलब पी बराबर क्या होता है, एम वी। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे एक के लिए, देखो अपने पास जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक का हो गया देखो एम ए वी ए, किसके लिए आ गया बेटा ये मान, एक के लिए। बराबर इस तरफ का मान क्या आएगा, एम वाई वी वाई कोस फाई, हो गया बेटा क्या आया, एम वाई वी वाई कोस फाई। प्लस में बी के लिए क्या आएगा, एम बी वी बी कोस थीटा, हो गया मान। अब देखो हम करते क्या है बेटा यहां पे, तो एम ए वी ए माइनस में क्या ले लो आप, एम बी वी बी कोस थीटा, बराबर क्या हो गया, एम वाई वी वाई कोस फाई। समीकरण नंबर दे दो इसको बेटा एक। अब हम बात करते हैं वाई अक्ष की, तब किस पर संवेग संरक्षण निकालेंगे, वाई अक्ष पर संवेग संरक्षण से। बेटा देखो वाई अक्ष पर जो संवेग संरक्षण होगा वो क्या होगा, तो देखो यहां पर वाई अक्ष का कोई संवेग है नहीं क्योंकि ये केवल एक्स अक्ष पर गति कर रहा है, तो नाभिक की अभिक्रिया से पूर्व वाई अक्ष का संवेग कितना हो गया, जीरो। अब बाद में देखो संवेग क्या आएगा, तो एक तो अपने पास था पी बी साइन थीटा, या कह दो पी बी साइन फाई, और दूसरा क्या था, पी बी साइन थीटा। बेटा ऊपर वाला प्लस का है तो दूसरा वाला कैसा आएगा, माइनस का, ये हो गया पी बी साइन थीटा। यानी कि यहां से मान क्या आएगा अपने पास, पी बी साइन थीटा बराबर पी बी साइन फाई, ये आ गया मान। बेटा साइन पी बी का मान रख दो, बी के लिए है तो क्या आएगा पी का मान, एम बी वी बी साइन थीटा। यहां पे क्या आएगा, ये किसके लिए था, वाई के लिए था बेटा, पी वाई था ये, पी वाई, तो ये हो जाएगा एम वाई, दूसरा क्या आएगा वी वाई, और ये हो जाएगा साइन फाई। इसको दे दो समीकरण नंबर दो, क्या करो समीकरण एक का वर्ग कर दो, और प्लस में किसका वर्ग कर दो, दो का वर्ग करने पर, मतलब समीकरण एक में किसको जोड़ दो बेटा, समीकरण नंबर दो को जोड़ दो, लेकिन वर्ग करके जोड़ना है, तो एक का वर्ग करो क्या आएगा अपने पास, एक में अपने पास क्या है, एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, कर दिया एक का स्क्वायर। प्लस में क्या आएगा, एम बी का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे तरफ क्या आएगा, एम वाई का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। प्लस में क्या आएगा, एम नहीं ये भी वाई आएगा, एम वाई का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर फाई, हो गया बेटा मान। अब यहां पर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि एम ए स्क्वायर और वी ए स्क्वायर। प्लस में बी स्क्वायर यानी कि एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। माइनस में टू एम ए वी ए एम बी वी बी कोस थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बराबर आगे इसके बाद क्या था, प्लस में एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर क्या आएगा, एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, क्या आएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई,
हो गया बेटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है, तो ऐसे यहाँ पर मान के आया एक आ गया एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन आ गया दोनों में, माइनस में टू एम ए वी ए एम बी वी बी कोस थीटा, और बेटा बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में जो अपने पास मान आएगा यहां से वो मान क्या होगा, देखो बराबर का मान आएगा बराबर, ये एक हो गया तो क्या बचा एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर हो गया। आगे सोल्व करो क्या आएगा, ये हो गया एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर, यहां पर मान एक हो गया तो क्या होगा एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू एम ए वी ए एम बी वी बी कोस थीटा बराबर एम वाई स्क्वायर वी वाई हो गया मान। बेटा इतना हमने कर दिया, अब आगे देखो इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना तीन हो गया। अब हम जानते हैं देखो अगर हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की तो ई ए बराबर किसके होता है, गति एक कण की बात करें ई बराबर होता है एक बटे दो एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा की परिभाषा से ये होता। अगर मैं यहां से वी का मान निकालू क्या आएगा, या वी स्क्वायर का मान निकालते हैं, वी स्क्वायर का मान आएगा टू ई अपोन में एम, ये हो गया वी स्क्वायर का मान। अगर हम पहले कण के लिए मान निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, एक कण के लिए बी के लिए बी आ जाएगा और वाई के लिए क्या आ जाएगा वाई, तो हम क्या करेंगे वी का जो मान है वो समीकरण नंबर तीन में रखते हैं बेटा, और जब ई का मान मतलब वी का मान हम समीकरण तीन में रखते हैं तो अपने पास मान क्या आता है बेटा, देखो अपने पास एक तो था एम ए स्क्वायर इसके साथ था वी ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बेटा टू ई ए अपोन में एम ए स्क्वायर था तो आ गया मान। आगे क्या था अपने पास इसके बाद मान था अपने पास एम बी स्क्वायर और वी वी बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वी बी अपोन में एम बी का हो गया। अगला जो अपने पास मान था बेटा वो था अपने पास माइनस में टू एम ए वी बी का मान था खाली, तो क्या हो जाएगा टू ई ए अपोन में एम ए इनटू में अपने पास था एम बी और इसके साथ था ई बी ना वी बी, तो वी बी का मान क्या होगा टू ई बी अपोन में एम बी, आगे था कोस थीटा और बराबर किसके आया था एम वाई स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर का मान क्या होगा टू ई वाई अपोन में एम वाई। बड़ा इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास देखो मान क्या आएगा, जब इसको सोल्व किया जाएगा तो मान आएगा एक से एक ये कट गया, एक से एक ये कट गया, ऐसे यहाँ पे कटेंगे और ऐसे यहाँ पे कटे तो आ गया टू ई ए एम ए प्लस में टू ई बी एम बी हो गया, माइनस में क्या आएगा बेटा टू है और अंदर से भी रूट टू इंटू रूट टू क्या हो गया टू, तो टू इंटू टू क्या हो गया फोर। आगे का जो मान आएगा अपने पास क्या आएगा, देखो इसको अंदर ले जाओ तो ये अंदर जाने के बाद क्या होगा टू ई ना टू तो बाहर आ गया ई ए एम ए इंटू में क्या होगा रूट ई बी एम बी और ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। और बेटा कोस थीटा के बाद का जो मान आएगा आगे का जो अपने पास मान है वो देखो क्या हो जाएगा बराबर दूसरी तरफ आया टू ई वाई एम वाई हो गया, ये हो गया टू ई वाई एम वाई, ये अपने पास मान आ गया है। ये मान आने के बाद हम क्या करते हैं देखो आगे इसको हमें सोल्व करना है तो आगे सोल्व कैसे करोगे बेटा, टू सम में से कॉमन आ रहा है या क्या करो हमें यहाँ से ई वाई का मान निकालना है, किसका मान निकालना है यहाँ से ई वाई का, और जब हम यहाँ से ई वाई का मान निकालेंगे तो देखो ई वाई का मान निकलेगा कैसे, यहाँ से ई वाई का मान निकालने के लिए देखो टू एम वाई का भाग दे दो बेटा, दूसरी तरफ जब हम टू एम वाई का भाग देंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम ए ई ए अपोन में हो गया अपने पास क्या एम ए ई ए अपोन में आएगा मान जो था अपने पास वो क्या जाएगा, हम भाग देंगे किसका टू एम वाई का, तो टू से टू कैंसिल हो गया क्या बचा एम वाई, प्लस में क्या आएगा एम बी ई बी अपोन में एम वाई और यहां पर दो चला गया बेटा बचा दो, तो टू अपोन में
एम वाई, अंदर का मान क्या है एम ए एम बी ई ए ई बी की पावर कितनी हो गई आधी, और आगे लगा दिया कोस थीटा, हो गया मान। अब इसको आगे सोल्व करने पर देखो हम कंडीशन लगाते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा का मान कितना है बेटा 90 डिग्री, और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कोस 90 का मान जीरो, मतलब अपने पास क्या बच गया ई वाई बराबर एम ए ई ए अपोन में एम वाई प्लस में एम बी ई बी अपोन में क्या आएगा मान एम वाई, हो गया मान। ये मान अपने पास आ गया, आगे का मान अपने पास कितना हो गया बेटा जीरो हो गया। अब आगे के मान को लिए हम करते क्या, देखो हमें निकालना है क्यू मान, अभिक्रिया का कौन सा मान निकालना है क्यू मान, तो क्यू मान कैसे निकलेगा क्यू बराबर किसके आएगा, तो क्यू बराबर अपने पास आ जाएगा बेटा, देखो अभिक्रिया में एक्स स्थिर थी उसकी कोई ऊर्जा नहीं थी, तो ये ऊर्जा किसकी हो गई अपने पास गतिज ऊर्जा जो थी ये हो गई अभिक्रिया से पहले की, माइनस में क्या आएगा ई बी और माइनस में क्या आएगा ई वाई, हो गया मान। इसको आगे सोल्व करो तो देखो क्या आएगा ई ए माइनस ई बी, हमने किसका मान निकाला है अभी अभी ये मान निकाला है हमने बेटा एम ए ई ए एम वाई यानी कि ई वाई का मान निकाला है प्लस में एम बी ई बी अपोन में एम वाई, आ गया अपने पास मान। अब इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व करने पर देखो क्या आएगा लघुत्तम ले लो बेटा, सबका लघुत्तम कितना आ जाएगा यहां से जब हम लघुत्तम लेंगे तो सारे के सारे लघुत्तम आएंगे अपने पास एम वाई, सबका लघुत्तम आ गया कितना एम वाई, तो लघुत्तम ले लो यहां से क्या आएगा जब लघुत्तम लेंगे तो अपने पास मान, तो हमने लघुत्तम लिया तो बेटा ये आ गया क्यू बराबर, लघुत्तम है अपने पास कितना एम वाई, सबका लघुत्तम आ गया एम वाई, ये हो गया ई ए एम वाई माइनस ई बी एम वाई। आगे का जो मान आएगा अपने पास वो क्या आएगा इसके बाद देखो माइनस एम ए ई ए, और बेटा बाहर माइनस था तो अंदर का निशान बदल जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा अगला मान जो मान आएगा अपने पास माइनस एम ए ई बी। अब देखो इनमें से कॉमन देख लो, कॉमन इनमें से क्या आ रहा है अपने पास, जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन अपने पास आ रहा है यहां से मान, देखो ई ए और ई ए दोनों कॉमन आ गए, तो ये बचा ई ए आ गया कॉमन, बेटा क्या बचेगा अंदर ये बचा एम वाई माइनस एम ए, और अब आगे क्या आएगा दोनों में से कॉमन आ गया माइनस का ई बी, हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ये बचा एम वाई प्लस में एम एम दूसरा कहां पे एम वाई और प्लस में आएगा एम बी, हो गया बेटा तो एम वाई हो गया और दूसरा क्या है अपने पास एम बी, ये रहा एम बी, हो गया। अपोन में क्या था एम वाई, बेटा एम वाई का दोनों में भाग जाएगा तो दोनों में भाग दे दो, जब हम एम वाई का दोनों में भाग देंगे क्या आएगा ई ए एम वाई माइनस एम ए अपोन में एम वाई माइनस ई बी, अंदर आया एम वाई प्लस में एम बी अपोन में एम वाई, बेटा एम वाई का अंदर भाग दोगे क्या आएगा ई ए, ये हो गया वन माइनस एम ए अपोन में एम वाई माइनस ई बी, ये हो गया वन प्लस में एम बी अपोन में एम वाई, हो गया। और ये किसके बराबर आ गया क्यू मान के बराबर आ गया, मतलब हमने यहाँ से किसका मान निकाल दिया बेटा क्यू मान का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर दिया, और क्यू मान का मान निकालने के पश्चात ये जो मान आ गया ये हो गया अपना कंप्लीट। बेटा एक और बताया था देखो एग्जाम्पल दो थे, एक क्यू मान था और दूसरा क्या था दहली ऊर्जा थी, तो क्यू मान हमने निकाल लिया, नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दहली ऊर्जा, ठीक है बेटा, थैंक यू।